नमस्कार, आप लोग पंचे देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन तपस्थली चित्रकूट में ही श्री राम नवमी के अवसर में चित्रकूट गौरव दिवस मनावे खातिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चित्रकूट पहुंची हैं। ये गौरव दिवस खातिर जिला प्रशासन के साथ है, वहाँ के समाजसेवी स्वयंसेवी संस्था साधु संतन के साथ है। आम जनमानस चित्रकूट गौरव दिवस रामनवमी के दिना भगवान श्री राम के जन्म दिवस का भव्य और दिव्य बनावे खातिर चित्रकूट में 5.5 लाख दिया जलाए गई हैं। के शराब दुकान के समूह महिला बैठ के शराब खरीदे आवे वाले इनका डंडा से पिटाई करत दिखानी। कुछ देर बाद है कई एक जने विरोध में इकट्ठा हुई गए, जेके बाद दुकान कर्मचारी दुकान के शटर गिराए दिन। ये विरोध में ही पूर्व पार्षद कंछेदी प्रजापति और भाजपा नेता सत्यभान पटेल घलाए रहे, जहां सत्यभान मकान मालिक का पीटे के धमकी घलाए दिन। खबर सीधी जिला से हवे, जहां के अमिलिया थाना प्रभारी के सरेरा युवक के संगे मारपीट के वीडियो वायरल होतला हवे। अब कुछ दिन पहले पत्रकार और युवा के फोटो वायरल करे के मामला शांत नहीं भरा रहा कि एक और वीडियो सामने आवा हवे। ये वीडियो में ही अभिषेक सिंह परिहार बाजारे माही डंडा जैसन कोनो चीज से एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। यह वीडियो हफ्ता भर पुरान बताई जा रहा है। तत्कालीन थाना प्रभारी पिटाई करे के बाद जबरई युवक का गाड़ी में बैठाए रहे हम। पुलिस अब रीवा सर्किट हाउस के घटना के जांच पूरी नहीं कर पाए के मऊगंज थाना क्षेत्र में ही युवती के संगे दुष्कर्म के घटना भय। आरोपी के विरोध करे पर मारपीट करीन और जान से मारे के धमकी दे के फरार होगा। पीड़िता के शिकायत में ही पुलिस को दुष्कर्म मारपीट और जान से मारे के धमकी दे के FIR दर्ज करके आरोपी अंकुश शुक्ला निवासी मऊगंज के खोजबीन शुरू कर दी है। रीवा में आप पार्टी के सैकड़न कार्यकर्ता रैली निकालिन और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के घरे के घेराव करिन, जहां पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मी आप पार्टी के कार्यकर्तन का गिरफ्तार कर लिहिन, जिनका बाद में जमानत में छोड़िन। अपना का बताया दी कि सर्किट हाउस में ही किशोरी के साथ दुष्कर्म मामला में कमरा नंबर 4 के रहस्य अजवो बना हवे। राजन शुक्ला होश में आए और बिसाहू लाल जी बताएं कि कमरा किस चार है। SDM जो है हुजूर अरुणाग तिवारी जी को जो है निलंबित किया जाए। इस बार सिंह चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है, तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई होगी। SDM की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। SDM गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मामले की कार्यवाही की जो जाँच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। रीवा माही किशोरी के संगे दुष्कर्म के मामला सामने आवा, जहां अश्लील वीडियो बनाए के ब्लैकमेल करे वाले आरोपी के ऊपर मामला दर्ज किया है। हालांकि यह घटना 1 साल पुरान बताई जाती है। वह पुलिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पाक्सो और IT एक्ट के धारण के तहत मामला का दर्ज कर ली है। बतावा जात है कि आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के डिहिया उर्फ नरसिंहपुर के रहने वाला है, जो किशोरी का ब्लैकमेल करत रहा। वह किशोरी की शिकायत में ही पुलिस मामला की जांच कर रही है। सिगरौली में ही छेड़छाड़ करे वाले अधेड़ का ही महिला भी सड़क में खूब पीटिन। अधेड़ शराबी महिला से छेड़छाड़ करी, जेके बाद खिसियान महिला ने केवल चप्पल से पिटाई करी, साथ है लतिया वो भई। ए मौका में ही वहाँ के आसपास से गुजरे वाले लोग अपन हाथ अधेड़ के ऊपर साफ करी। यह घटना सोशल मीडिया में ही वायरल हुई गए। वहाँ कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे बताएं कि महिला थाने में शिकायत नहीं करे चाहे, पर बीच सड़क में चप्पलन से पीट के अधेड़ का सबक सिखाए दे। सिगरौली जिला के मुरवा के वार्ड 5 माही आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर में रामनवमी का 108 कन्यान का भोजन कराए के बाद भंडारे के आयोजन की जा रहा है। सिगरौली
आंदोलन होता है और 8 तारीख को जो जागरण करवाएंगे जो जबलपुर के कलाकारों के द्वारा कराया गया वो हर साल की भांति जागरण हर साल कराते हैं हम लोग दोनों नवरात्र में अच्छे अच्छे कलाकार को बुला के कराते हैं। उसके बाद जो है सो कुमारी कन्याओं का हम कराते हैं कुमारी कन्या 108 कुमारी कन्या का जो है सो सिगरौली माही शराब के तस्करी और नशा के खिलाफ चलावे वाले अभियान माही सिगरौली आबकारी पुलिस एक अधेड़ के ऊपर कार्रवाई करी है। अपने बता दें कि 65 वर्षीय बुजुर्ग के कब्जा से 8 पेटी देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। ये खबर मिल रही थी कि जो पुरानी लाइसेंसी है उनके द्वारा इस तरह की मदरा सस्ते दामों पर आस पास के गाँव में बेची गई थी, तो हमने इसका सत्यापन कराया। सत्यापन करने पर खबर को सत्य होना पाएगा, उसके बाद हमारे पूरे आबकारी पुलिस स्टाफ ने जाकर उसके आरोपी के घर की तलाशी लेने से अधिक मात्रा में मुद्रा का जब्त होना पाएगा। ये कहाँ से ले आके ला रहा था और ये कहाँ पे बेचने के आरोपी द्वारा बताया गया कि पूर्व ठेकेदार द्वारा उसको सस्ते दामों में मुद्रा का विक्रय किया गया। ये आरोपी रंगलाल साहू है, पिता मणिलाल साहू है, ग्राम हरदी मोहा गांव में ये अवैध मुद्रा बरामद की गई है। सीरियल में राजेश हप्पू सिंह के किरदार करे वाली कामना पाठक दुख जताई नहीं मैं। कामना थाना में ही अर्धनग्न हालत में खड़े पत्रकारन के फोटो फेसबुक में शेयर करके लिखिन के कला और संस्कृति के उत्थान खातिर जय जी जान से लगे हमा और यह में परिणाम मिला तक थे कलाकार हुए के नाते उहत है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखत रही अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।